आंखों में दो दुनिया बसती है, बंद आंखों में एक दुनिया रहती है। आंखें खोलें तो दूसरी दुनिया दिखती है। दो दुनिया में कैसे जिएं? इसी कश्मकश में जिंदगी है। हेलो सर, हाउ आर यू? हे स्वामी, एनीथिंग? जस्ट 10 मिनट्स यार, शीस एट द पार्किंग लॉट। इतना ट्रैफिक था, लोग सड़क पे उतर आए ऐसा लगता है। आपने क्या कुछ बोल बे? की? आपने बोल बे किछु? कुछ तो सबटाइटल्स दो यार। बहुत ट्रैफिक था। अंडरस्टैंड नाउ? तुम्हारा यूजुअल यूबर ड्राइवर। ही टॉक्स टू मच। ओ बाबा। आई एम सरप्राइज्ड। तंग आ गई हूँ सबकी बातें सुन सुन के। वही घर, वही ऑफिस, वही लोग, वही गॉसिप, और तो और वही इंस्टाग्राम मीम्स। अब क्या हुआ? तुमको बताने का क्या फायदा? तुम तो अपने माँ के राजा बेटे हो। अगेन। पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जब देखो तब मुझ पे खुन्नस खाती रहती हैं। योर ड्रिंक सर। हेलो स्वामी। गुड इवनिंग मैम। यू लुक गुड टुडे। थैंक यू मैम। द यूजुअल मैम? यूजुअल वाला। थैंक यू स्वामी। एक सेकंड स्वामी। यस मैम। मेक इट ब्लेंड टुडे, एग्जैक्टली जैसा रीयूनियन पर सर्व किया था। या मैम। हाँ बिल्कुल वैसा ही। रोस्टेड पीट चिपोटले? हाँ वही 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 वही। ओके मैम। पर यू डिडंट लाइक इट राइट? तुम्हें अच्छा नहीं लगा था? आई नीड चेंज रॉय। मैं थक गई हूँ अपने इस बोरिंग रूटीन से, मुझे चेंज चाहिए। क्या बात है अनीता, उन्होंने तुमसे कुछ कहा? कल रात को मेरी माँ ने मेरी पसंद की आलू पोतोल पोस्टो बना के भेजी, ठीक है, जो कि ग्लूटेन फ्री और वेगन है। बस फिर क्या था, मेरे घर में तूफान आना बाकी था। राजा बेटे के लाडली माँ को बुरा लग गया है ना, मुझे टोंट मारने लगी। कह रही थी कि ये सब जो वेगनिज्म है ना, ये सब चोचला है ना, और अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें अपनी फिगर की बजाय इस घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, शादी हुई तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने अपनी सास से उन्हें गिरवी रख दी है, या फिर अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हाँ, एक मैरिड वुमन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा रही हूँ ना मैं, फिर मैं अपने पसंद की आलू पोतल पोस्तो खाऊं, ये मेरी मर्जी। आपके शादी के बाद मैं अपने पसंद का खाना भी नहीं खा सकती। मैम, योर ड्रिंक मैम। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है स्वामी। यस मैम। अभी क्या मिल सकता है खाने को? मैम, ग्रिल सैंडविचेस। ओके, सो मेक वन पालक सैंडविच, ग्रिल्ड वाला एंड मल्टीग्रेन, वीगन होना चाहिए। ओके ओके मैम। स्वामी, डू आई लुक फैट? नो मैम। डू आई लुक ग्रेट? यस मैम। थैंक यू स्वामी। थैंक यू। सी, वो तुम्हारी सांस है यार। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड यार, शी गेट्स प्रिकी समटाइम्स, बट ये इंटरकास्ट लव मैरिजेस में बड़ा बड़ा कॉमन है। नहीं रॉय, शादी से पहले तो मुझसे कहा था कि अच्छा है, हमें दूसरे कल्चर का खाना खाने को मिलेगा। हाँ, हमें खाने में वैरायटीज मिलेगी। कट टू आफ्टर मैरिज, हम साउथ इंडियंस हैं और तुम्हें भी बस वही खाना खाना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं बनता है वो वड़े में परफेक्ट होल। हाँ, और तो और मुझसे ये भी कहा गया कि अब से मुझे वो खाना पड़ेगा जो कि तुम खाते हो। क्यों? I'm a true Bengali girl. I can't live without fish. Take the sea out of my food and I'll die. बस बहुत हो गया। हंसी सुझ रही है तुम्हें? No, no, I'm sorry. जोक मारा है मैंने? No, no, I'm sorry. I'm sorry. I just like your sense of humor. Sense of humor? इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि घर पे तो तुमसे खुल के बात हो नहीं सकती है।
और अब रोज रोज तुमसे यहाँ छुप छुप के मिलने पे मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं कोई क्राइम कर रही हूँ। दो पल अपने लिए जीने को क्राइम नहीं कहते। और अपने लिए यही दो पल चुराते चुराते थक गई हूँ मैं रॉय। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। मैं कुछ और चाहती हूँ रॉय। तुम मुझसे क्या चाहती हो अनीता? क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? क्यों ना इस वीकेंड हम कहीं बाहर चले। हाँ, मेरे ऑफिस ने ना एक कॉर्पोरेट मीटिंग रखी है करजत में, तो मैंने उनसे कह दिया है कि मेरी फैमिली बीमार है, जो कि है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। और अपनी बीमार फैमिली को कह दूंगी कि मीटिंग है, जाना जरूरी है। और इस बार तुम मेरा साथ दोगे ममाज बॉय। पर तुम्हें बाद में गिल्ट तो नहीं लगेगा? अगर अब मैंने और देर की ना, तो मुझसे पहले मेरी रिलेशनशिप को मेनोपॉज हो जाएगा। रोज का वही रूटीन, वही भाग दौड़, पूरा हफ्ता इसी में निकल जाता है। 24/7, 365 days। और ब्रेक के लिए वीकेंड मिलता है तो उसमें भी हाउसवाइफ की ड्यूटी टेक ओवर कर लेती है। हाँ, और मदद के लिए आसपास देखो तो हर कोई उसी ब्लडी रूटीन में फंसा हुआ दिखाई देता है। चाहते सब हैं पर कोई उसे तोड़ नहीं पाता। चुप रह के अपनी जिंदगी का तमाशा बनते हुए देखते हैं बस। कुछ कहोगे? मुझे तुम्हारी मॉम को डेंटिस्ट के पास लेके जाना है। वो अपने बेटे से क्यों नहीं कहती लेके जाने के लिए? आई कैन, मैं ले जा सकता हूँ। मैम, योर सैंडविचेस। एंजॉय योर मील मैम। स्वामी, वेरी फनी। अच्छा लिसन, बुक द टिकट करजत विस्टा डोम कोच। ओके, आई हर्ड इट्स फैंटास्टिक। What? बस डोंट गेट टू मच ऑफ क्लोथ्स। पागल। कभी कभी जिंदगी के रास्तों पर चलना कितना मुश्किल हो जाता है। हमारे सामने दो राहें होती हैं, दो ऑप्शन, लेकिन हम सही गलत की उलझन में उलझे ही रह जाते हैं। मानव, हाउ वाज योर डे? तुम भी तो मम्मी को डेंटिस्ट के पास लेके जा सकते थे ना। मैंने बताया था ना कि मेरी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन मम्मा को तो तुम्हारे साथ जाना पसंद है। अच्छा लिसन, इस वीकेंड मेरी करजत ने मीटिंग है और मेरा जाना जरूरी है। पति नहीं आ सकते? मानव, ठीक है, एंजॉय। अच्छा अनीता, वो मैं माँ की मेडिसिन्स ले आया था, एक बार चेक कर लो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। कहाँ है प्रिस्क्रिप्शन? अरे वही रखा है ब्लू शर्ट में। मिला क्या? हाँ मिला।
चाहते सब हैं, पर कोई उसे तोड़ नहीं पाता। चुप रह के अपनी जिंदगी का तमाशा बनते हुए देखते हैं बस। गिल पैंक्स मानव, वही लूप रॉय। हर बार की तरह वो फिर से मुझे फांसने की कोशिश कर रहा है। You want me to cancel it? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने विनीता को बताया? You don't have to unlove someone just because you love someone. तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे तुम्हारा आलू पतोल पोस्ता खाना बहुत पसंद है। इट्स पोस्तो। या अनु, दिस इज फॉर यू। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और अनु। Thank you.